जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा के कैलसा रोड मार्ग पर हयात हॉस्पिटल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। बताते चलें कि दिग्विजय उर्फ गुड्डू ग्राम रामहट थाना अमरोहा देहात का निवासी है। उसकी पत्नी गुड़िया की डिलीवरी होनी थी, जिसके चलते पागबड़ा के हयात हॉस्पिटल में 24 जुलाई 2020 की शाम 6 बजे अपनी पत्नी गुड़िया को भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा डिलीवरी नॉर्मल होती है तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप 13,000 रुपए जमा कर दीजिए। रात 1 बजे नॉर्मल स्थिति के होने के कारण ऑपरेशन के लिए बोर्ड में ले जाने लगे। तब दिग्विजय और गुड्डू ने डॉक्टर से पूछा ऑपरेशन में कितना समय लगेगा, तो वह बार बार गुमराह करते रहे। महिला की मौत हो जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना थाना पागबड़ा को दी गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। सुरेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्यों आए? रामट का रहने वाला हूँ, थाना मुरादिया जी। और मेरे छोटे भाई की बीवी थी, उसका डिलीवरी केस था, हमने उसको कल शाम 6 बजे हयात हॉस्पिटल में ला के भर्ती किया। भर्ती करने के बाद हम डॉक्टर ने से बोले कि डिलीवरी केस होना है, तो उसने कहा कि मैं पहले 1.5 घंटा नॉर्मल की कोशिश करूँगी। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद ही मैंने कहा कि अगर जो आपकी बस की बात नहीं हो तो आप हमें बता सकते हैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो। डॉक्टर ने कहा ठीक है, डॉक्टर भी थे MBBS डॉक्टर मुनाजिद अली। फिर उसके बाद जब उनके बस की नहीं रहा तो उन्होंने हमसे कहा कि इसका सर्जन होना है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमसे 13,000 रुपये जमा कराए और हमारा पेशेंट ऑपरेशन के लिए भेज दिया, लेकिन स्टाफ की कमी होने के कारण, डॉक्टर की कमी लापरवाही होने के कारण वो डॉक्टर रात को 1 बजे आया। 1 बजे आने के बाद हमारा पेशेंट को उसने ऑपरेशन थिएटर में सही सलामत ले लिया। सही सलामत लेने के बाद मैं, मेरे परिवारजन, हम बाहर बैठे थे कि आधा पौन घंटे में कुछ ना कुछ खबर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के बाद तो मैंने अपना छोटा भाई भेजा, बोले देख का अंदर क्या है। जब वो अंदर गया तो थोड़ा अंदर से घबराता हुआ आया, बोले आप अपने आप जाइए, लेकिन फिर मुझसे सहन नहीं हो पाया, मैं खुद अंदर गया। जब मैं खुद अंदर गया तो उन्होंने अंदर से लॉक लगा रखा था, मैंने हाथ से बजाया तो उन्होंने लॉक खोला, तो वो लोग अपनी किट विट उतारने के बाद, उतार कर बिल्कुल तैयार थे भागने के बाद, मैंने जाके देखा तो हमारा पेशेंट डेड हो चुका था। हमने डॉक्टरों से थोड़ी तनातनी करी, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई। उन्होंने थोड़ा लापरवाही बताते हुए वो हमारा पेशेंट डेड हो चुका था। उसके बाद हमने 112 नंबर पे कॉल किया, थाने कॉल किया तो थाने की पुलिस पहुंची, 112 नंबर की पुलिस पहुंची। उन्होंने वहाँ से बाकायदे हमारा पेशेंट और वो चारों डॉक्टर वहाँ से गिरफ्तार कर लिए, वीडियो बनाई, उसकी हमारे पास वीडियो भी है, फ़ोटो भी है, और खुद वहाँ दरोगा मौजूद थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में डॉक्टर बोला कि इसमें देख लो एक बार, जान हो सकती है, तो मैं खुद पुलिस प्रशासन की मदद से उसे साईं हॉस्पिटल लेके गया। साईं हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब मैंने उसकी वहाँ एंट्री कराई तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ। तो आपने क्या इसमें किसी पुलिस प्रशासन को आपने कोई शिकायत लिखित में कंप्लेंट करी थी? हमने लिखित में कंप्लेंट करी है SP SSP थाने में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टरों को लापरवाही के कारण हमारा पेशेंट डेड हुआ। अच्छा, मृतक का नाम क्या था? गुड़िया। कितने बच्चे हैं इनके? पहली डिलीवरी थी।